नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल तो देख लिया होगा। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं उदयपुर से सीधा जैसलमेर। ये करीब 12 घंटे की यात्रा होगी। वो फिर हम जैसलमेर पहुंचने के बाद वहाँ पर लगभग 7 से 8 दिन तक आसपास वाले सारी जगह घूमने वाले हैं। हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं हम आगे आपको सारी जानकारी देंगे। अभी हमने बैग पैक कम्प्लीट कर लिया है और हम ये यात्रा एज ए कपल कर रहे हैं, तो आने वाले वीडियो काफ़ी रोमांचकारी होने वाले हैं। और हम आपको एज ए कपल कैसे ट्रेवल करना है, एज ए कपल आपको बजट फ्रेंडली कैसे ट्रेवल करना है, कैसे सेफ ट्रेवल करना है, सारी जानकारी देने वाले हैं। अभी हम यात्रा एज ए कपल कर रहे हैं, तो हमारा बैग पैक पूरा रेडी हो चुका है। ये पूरा बैग वगैरह रेडी है और हमारी बस लगभग 8 बजे है रेती स्टेशन उदयपुर से, जो सुबह 8 बजे जैसलमेर पहुँचा देगी। तो चलिए, तो काफ़ी अच्छे से वीडियोज़ आएंगे, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सीधे मिलते हैं आपसे बस स्टैंड में, बस के अंदर। दोस्तों अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बस का इंतज़ार है, पूरा लगेज लेके आ चुके हैं और अभी समय हो रहा है 7:23। हमारी बस लगभग 7:45 है, हमको 25 मिनट यहाँ पर मिलेंगे, तो आराम से घूमते हैं, इन्जॉय करते हैं। और अभी आप देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं रेती स्टैंड, और ये है हमारा बस का स्टैंड। दोस्तों ये बस आ चुकी है, इसी बस में हम ट्रेवल करने वाले हैं। बस तो अच्छी दिख रही है, महादेव की बस है। दोस्तों ये कुछ हमारी बस है, बेडशीट भी है यार स्लीपर में, तो थर्ड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड वो वाली। हाँ इधर वाली डबल सीटर है ना, हमने सिंगल थोड़ी किया। फाइनली बस अंदर से अच्छी दिख रही है, अंदर बेडशीट भी दे रहे हैं, बेडशीट पड़ी है जिसकी हमने पहले बात कर ली थी। हाँ बहुत भारी बैग है, सही है ना। बस बिल्कुल सही है जैसा हमने सोचा था, अंदर बेडशीट की भी बात करके बेडशीट दे दी। अब चलिए चलते बाहर और उतरे मजा लेते हैं। बस आगे से कुछ रिफर्बिशमेंट का काम चल रहा है और पीछे बस पूरी लग्जरियस बस है, लेकिन आगे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि कबाड़ खाना हो। बट अंदर स्लीपर काफ़ी लग्जरी है, जो जिसकी हमको उम्मीद थी उस टाइप का स्लीपर है। और आगे रिफर्बिशमेंट का काम चल रहा है, इस चक्कर में बस ऐसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे उस्ताद जी बैठेंगे और कुछ इस प्रकार से बस है। और अंदर देखिए एक तो लग्जरियस टाइप रही है, हमारा स्लीपर ये थर्ड वाला है। और यहाँ से जो व्यू दिखता है दिखेगा ना, हालांकि रात को दिखेगा। तो सर सीट स्लीपर में भैया ने बेडशीट लगा दी है, तो बस की फैसिलिटी देखा जाए तो अच्छी है और बस दिख भी अच्छी रही है। तो जो मस्त ये वाला लास्ट वाला स्लीपर। और दोस्तों फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं, काफ़ी शानदार रूम है। भाई आए, बेडशीट बिछा लिए, तो काफ़ी अच्छी सर्विस है बस की। मेरे को डाउट था कि बस कैसी मिलेगी, बाहर से बस काफ़ी कटारा थी देख के, एक समय डर गया था मैं कि सारे पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन बस अंदर से काफ़ी लग्जरियस है। बाहर काम चल रहा है उसका, कुछ हो सकता है कुछ छोटा मोटा स्क्रेचेज आए होंगे तो उसका काम चल रहा है। तो भाई ने अंदर बेडशीट बिछा दी, एसी वाली बस थी, तो मेरे को ये डाउट था कि ये जो डक्ट है ना बंद होगी नहीं होगी, बट ये प्रॉपर बंद हो रही है भाई, तो हवा बिल्कुल नहीं आ रही, तो ये भी कम्फर्ट है। मैंने एसी बस इसलिए ली, हालांकि अभी ठंड थी एसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने एसी बस इसलिए ली कि एसी में क्या होता है, बस पूरी पैक होती है ना, तो सीटें वीटें काफ़ी अच्छी होती है और धूल मिट्टी भी नहीं होती है, तो रात को सोने में इजी रहता है और सर्विसेज थोड़ी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर बस, इसलिए मैंने ये बस प्रीफर करी। डाउट था उसका सोल्यूशन हो चुका है, तो ऑल ओवर बस काफ़ी अच्छी है। और इस बस का मैं आपको फेयर बता दूँ, हमने उदयपुर से टिकट करवाया है तो यह पर पर्सन 1100 रुपये टिकट है स्लीपर का। ऑनलाइन आपको शायद ये 1094 ऐसा कुछ मिलेगा, 500 रुपये का वेरिएशन है, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। हमने रेड बस में देखा था और उसमें टैक्सेस मिलकर 1100 लगभग हो जाते हैं, मतलब 2-3 रुपये का फ़र्क रहता है ज़्यादा ज़्यादा। तो हमने फिर ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन टिकट लिया, तो बस काफ़ी अच्छी है। हम दो लोगों के लिए डबल स्लीपर लिया, साइज़ भी काफ़ी सफिशियंट है, अच्छी साइज़ है, चार्जिंग सॉकेट अंदर प्रोवाइड है, बस काफ़ी साफ़ सुथरी है, लाइटिंग भी है, लाइटिंग हम बंद कर सकते हैं, तो ऑल ओवर बस काफ़ी अच्छी है और 1100 रुपये जो हमने लगाए थे पूरे वर्थ इट है। तो ये तो हुई हमारी बस की बात। अभी मैं फ्लैश लाइट से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये लाइट थोड़ी सी कम है तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऑल ओवर बस काफ़ी अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ मेरे ट्रिप के बारे में। तो दोस्तों ये ट्रिप मैं सोलो नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए कपल ये ट्रिप कर रहा हूँ। अभी हम 8 बजे निकल चुके हैं, लगभग 8 बजने में
6 मिनट दे रहे हैं। 8 बजे बस निकल जाएगी और सुबह 8 बजे हमको जैसलमेर पहुंचा देगी। वहां पर हमने एक भैया से बात कर रखी है तो हमको लेने आ जाएंगे, फिर उनके रूम पर हम स्टे करेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिप लगभग 7 से 8 दिन का ट्रिप होगा और काफ़ी शानदार ट्रिप होने वाला है और काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो दोस्तों कल हम जैसलमेर जाएंगे, फिर हम वहां से जाएंगे पोखरण, रामदेवरा, फिर जोधपुर, और अगर समय होगा तो जोधपुर में ओम मन्ना जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रिप काफ़ी बड़ा होने वाला है और हम बसों से और ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, तो हमको सारा काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम होगा। और हम एज ए कपल जा रहे हैं तो हमने काफ़ी रिसर्च किया है, क्योंकि हमको सेफ और सिक्योर और सबसे बजटेड यात्रा करनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे ट्रिप में मैं आपको एज ए कपल बजट यात्रा कराना बताऊंगा और काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो बने रहेगा और आगे आपको अच्छे अच्छे सीन बताता हूँ। जय श्री राम। 8:11 और बस निकल चुकी है उदयपुर से। दोस्तों अभी बस पहुंची है लगभग देसूरी फोर्ट से आगे, गूगल मैप पे कोई देसूरी फोर्ट नाम की लोकेशन है, कुल मिला के देसूरी का इलाका है यहाँ पर। मैंने सुना है कि देसूरी वाला इलाका थोड़ा जंगली इलाका है, तो यहीं पर बस रुकी है। छोटा सा एक होटल है जहाँ बस रुकती है, तो छोटा सा होल्ट है, तो चले चलते हैं, फिर वापस आकर निकलेंगे वापस जैसलमेर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर 10-15 मिनट का छोटा सा होल्ट दिया है नाश्ता पानी के लिए, छोटा सा होटल है और बाथरूम वाथरूम की व्यवस्था भी छोटी मोटी है, ज़्यादा कोई VIP नहीं है। यहाँ पर रुका है लगभग 11:40 हो रहे रात की, और 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर बस रुकी है। फिर यहाँ पर नाश्ता पानी करने के बाद सीधी बस निकलेगी, तो कुछ ऐसा लोकेशन है, देख लीजिए यह बस खड़ी है और ये पीछे छोटी सी होटल है। तो यहाँ पर 10-15 मिनट रुकने के बाद सीधा निकलेंगे हम। दोस्तों यह था छोटा सा एक वीडियो, ज़्यादा कुछ खास जानकारी इसमें थी नहीं, बट मैंने देखा कि एक छोटा सा वीडियो शेयर कर देता जिसमें लोगों को उदयपुर से जैसलमेर के लिए बस का आइडिया मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से था सीन। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जैसलमेर से उदयपुर बस चलती है, ट्रेन नहीं चलती है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ जिससे लोगों को बस रूट की जानकारी मिले, तो कुछ इस प्रकार से था। और अब सीधा हम सोते हैं, रात की 11:30 बज रही है, लगभग 11:50 होने वाले हैं, तो अब सीधा सोते हैं, सुबह मिलते हैं। दोस्तों हमने कल्पना कार्गो से बस का टिकट बुक करवाया था जो शाम को 8 बजे निकलने वाली थी, 8:10 पर निकली थी। सुबह 8 बजे पहुंचने का प्लान था कि 8 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन दोस्तों काफ़ी लेट कर दिया। लगभग हम 10 बजे के आसपास हम वहां पर पहुंचे बस स्टैंड के यहां पर, फिर यहां से हमको मुकेश भैया लेने आ गए। तो बस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बस का जो टाइमिंग काफ़ी ख़राब था। हमने कल्पना कार्गो से बस बुकिंग की थी, बस का नाम था महादेव, और तो बस काफ़ी अच्छी थी लेकिन टाइमिंग काफ़ी लेट था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। कभी आप आने का प्लान कर रहे हो तो बस का जो जिससे मेरे आने का टाइम रहता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो 2 घंटे हमको ऊपर नीचे हुआ है और जिससे हमारा पूरा प्लान गड़बड़ा गया है।